Hi everyone, good morning one and all. I welcome you all to India's largest learning platform Unacademy. Let's crack UGC NTA NET examination through Unacademy platform. My dear friends, aaj hum discuss karne wale ek wonderful topic jo current affairs se related hai. Dekhiye ye topic hai mass media and society mein ye topic aayega communication ke andar. Wo topic hai my dear friends print media. प्रिंट मीडिया चैप्टर नंबर 4 ये टॉपिक आएगा मास मीडिया एंड सोसाइटी में. इसमें कई सारे करंट अफेयर्स हो गए माय डियर फ्रेंड्स. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जामिनेशन के एक वन वीक पहले हमको प्रिपेयर होना होगा इसका करंट अफेयर्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एज वेल एज प्लीज फॉलो माय प्रोफाइल. आज मैं लेने वाला हूँ कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज. इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज जॉइन द सेशन. ओके देखिए प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एज वेल एज प्लीज फॉलो माय प्रोफाइल. तो आई एम डॉक्टर अहमद बादशाह शेख. देखिए आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम डॉक्टर अहमद बादशाह, पीएचडी इन मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, अलुमनी, UGC NET JRF, 5 plus post graduations, 14 years of teaching, training, research experience. मैं डील करता हूं अनअकैडमी पर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट एंड कॉमर्स. देखिए आज एक बेहतरीन लास्ट डे, आज एक बेहतरीन ऑफर है मेरे फ्रेंड्स. स्ट्रेस कोर्स वालों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है. ये पेपर 1 है. पेपर 1 में कम्युनिकेशन टॉपिक में मास मीडिया एंड सोसाइटी वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. देखिए आज एक बेहतरीन ऑफर है माय डियर फ्रेंड्स. आज अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट. मार्च 16th आज लास्ट डेट है. प्लीज यूटिलाइज दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. देखिए ये सब कोर्सेस जो YouTube में हम बोलने वाले हैं या स्पेशल क्लासेस में बोलने वाले हैं ये सब फ्री कोर्सेस है माय डियर फ्रेंड्स. एनीबॉडी कैन एक्सेस. अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स विद अनलिमिटेड एक्सेस, रेगुलर एग्जामिनेशंस, रेगुलर लाइव क्लासेस विद इंटरैक्शन आप ले सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर इन दोनों के पैकेजेस अगर देखेंगे तो बहुत इकोनॉमिकल पैकेजेस है माय डियर फ्रेंड्स. देखिए ये हो गए प्लस के एज वेल एज ये हो गए आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन. अगर आप भाषा यूज करेंगे तो नॉर्मल डेज में आपको मिलेगा 10% पर आज यूज करेंगे तो मिलेगा 20% डिस्काउंट माय डियर फ्रेंड्स. ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. आप 3 मंथ्स लो, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स आपकी मर्जी. डिपेंड्स अपॉन दैट यू कैन टेक ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर दैट वुड बी बेटर. यू कैन कंपेयर बोथ द प्लस एज वेल एज आइकॉनिक बेनिफिट्स, व्हिच एवर सूट्स यू, यू कैन टेक दैट. देखिए ये हो गया एक मोबाइल फॉर्मेट. आपको मिलेगा नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा आपको. आपके पास अगर सेलेक्टेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है आप ले सकते हो. नो कॉस्ट ईएमआई आपको पड़ेगा 833 रुपीज पर मंथ. अगर आप भाषा यूज करेंगे तो आज मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट. यानी 6 मंथ का रेट पे आपको मिल जाएगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन माय डियर फ्रेंड्स. आप यू कैन थिंक. देखिए ये हो गए कंप्लीट बेनिफिट्स ऑफ प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. प्लस में हो गए सिर्फ 4 लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल. ये हो जाएंगे आइकॉनिक में भी. अगर आप देखेंगे आइकॉनिक में कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यू, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस और कई सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो हमको प्लस में नहीं मिलेंगे. आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को भी. आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, बेनिफिट्स कंपेयर कीजिए, उसके बाद यू कैन टेक इफेक्टिव डिसीजन. दिस विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग. चलिए देखिए ये हो गए स्पेशल क्लास फीचर्स. आज लेने वाला हूं मैं एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. उधर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, कम्युनिकेशन के टॉप एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे. दिस विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू. एक पोल ऑर्गेनाइज करेंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितना हुआ है कम्युनिकेशन के ऊपर आप भी चेक कर सकते हो. आज का सेशन मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा लिंक. 2:30 को है आज का सेशन. डेफिनेटली यू प्लीज अटेंड द इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस. पोल्स फॉर द लर्नर्स, राइज ए हैंड, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस भी मिल जाएगा आपको. दीस आर द स्पेशल क्लास फीचर्स. देखिए हमारे कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स पर और पेपर 1 पे. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड कंटिन्यू. अगर आपको इस वीडियो में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप फिल करके रिपोर्ट करके यू कैन विन प्राइजेस. अगर आपके पास प्रूफ हो तो यू कैन डू दैट. प्लीज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज
ज्वाइन द अनअकैडमी यूजीसी नेट इंग्लिश टेलीग्राम चैनल, हम टाइम पे टाइम आपको अपडेट्स देते रहेंगे माय डियर फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट प्रिंट मीडिया। देखिए कम्युनिकेशन का जो लास्ट पार्ट है वो डील होता है मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसका मतलब जो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब कम्युनिकेशन पहुंच रहा है लोगों को, ऑडियंस को, रिसीवर्स को थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया। दीज आर द थ्री बिगेस्ट मीडिया इन अवर कंट्री माय डियर फ्रेंड्स। एक हो गया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। एक जमाने में ऐसा था प्रिंट मीडिया बहुत ही फेमस था, सिर्फ प्रिंट मीडिया चल रहा था। उसके बाद स्लोली ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, उसके बाद टेलीविजन से, रेडियो से, मोबाइल फोन से, अब पीपल आर गोइंग विद डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। माय डियर फ्रेंड्स देखिए अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया, यानी आपका कम्युनिकेशन रीच हो रहा है रिसीवर को थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू पॉम्पलेट्स, थ्रू होर्डिंग्स, थ्रू सम सॉर्ट ऑफ प्रिंट मटेरियल। इसको कहते हैं हम प्रिंट मीडिया। चलिए आप सबको मालूम है प्रिंट मीडिया क्या है, बट हमारे देश में प्रिंट मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल, बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट्स को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। इस तरह प्रिंट मीडिया का, और यूनिवर्सिटीज को कौन कंट्रोल करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 का जो एक्ट है इसमें कई सारे सेक्शंस है। रिसेंट से एक एग्जामिनेशन में इन सेक्शंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। इन द सेम मैनर हमारे देश में प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने का एक रेगुलेटरी बॉडी है, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने का एक रेगुलेटर है, वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आने वाला है गारंटी। माय डियर फ्रेंड देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा एक टॉपिक है जो 100% रिलेटेड है करंट अफेयर से। देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है, जिस तरह आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स को कंट्रोल करेगा, टाइम टू टाइम पॉलिसीज चेंज करेगा, फ्रेमवर्क्स चेंज करेगा, इसी तरह प्रेस कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है इंडिया में प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला पॉइंट, इट वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1966 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन। फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर इंडिया ने रियलाइज किया है कि हमें जरूरी है एक प्रेस काउंसिल, हमें जरूरी है एक प्रेस काउंसिल। तो एस्टैब्लिश हुआ है प्रेस कमीशन माय डियर फ्रेंड्स, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ है, प्रेस कमीशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस का फ्रीडम और प्रेस के ऑप्शंस को कंट्रोल करने के लिए, प्रेस के जितने सारे इश्यूज को मॉनिटर करने के लिए प्रेस कमीशन, फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर एस्टैब्लिश किया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये होता है कंप्लीट रेगुलेटर फॉर प्रिंट मीडिया। जो भी आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है माय डियर फ्रेंड्स, पहले आपको रजिस्टर करना होगा रजिस्टर ऑफ न्यूज ऑफ इंडिया से, उसके बाद आपको आप ये गाइडलाइंस सब फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए एंड ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रेस इन इंडिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंट काउंसिल फंक्शंस अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। देखिए 1978 का एक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टैचुटरी स्टेटस देता है। एक्ट जो होता है पार्लियामेंट में पास करने के बाद इसको एक स्टैचुटरी स्टेटस मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ये हो गया प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 माय डियर फ्रेंड। देखिए पहली बात, प्रेस काउंसिल को एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशंस मिला है 1966 में, उसके बाद एक एक्ट लॉन्च करेंगे 1978। ये एक्ट एम्पावर करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। देखिए इट इज अ स्टैचुटरी, मेनी पीपल
Many people don't know about what is a statutory body, what is a non-statutory body, what is a constitutional body, what is a non-constitutional body, what is a quasi-judicial body, what is judicial body. ये चीजों को हमें समझना very, very, very important, my dear friends. अगर ये चीजों को समझेंगे, this is general knowledge. इसको समझना पड़ेगा. इधर जो है ये प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1978 में लॉन्च किया गया. ये एक्ट इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे ये चीज नहीं था. उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से पास किया गया है. उससे हम पता कर सकते हैं ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी है फ्रेंड्स. सो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसका मतलब जो है ये टेम्पररली कुछ डिसीजंस ले सकता है बंद करने का. क्वासी जुडिशियल, कंप्लीट जुडिशियल बॉडी जो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, हाई कोर्ट होता है, बड़ी है फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है क्वासी, यानी सेमी जुडिशियल, मतलब क्या सेमी जुडिशियल बॉडी. कंप्लीट जुडिशियल बॉडी होता है सुप्रीम कोर्ट, कंप्लीट जुडिशियल बॉडी होता है हाई कोर्ट. ये होता है क्वासी, यानी सेमी जुडिशियल बॉडी होता है माय डियर फ्रेंड्स, व्हिच एक्ट्स एज ए वॉच डॉग ऑफ द प्रेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स. देखिए ये कंट्रोल करता है प्रेस को. इंडिया में जो भी प्रेस है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको कंट्रोल करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया. अगर आप शुरू करना चाहो एक न्यूज़पेपर, चलिए आपने डिसाइड कर दिया है आपको शुरू करना है एक न्यूज़पेपर, पहले आप अप्रोच करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया. इन इस वेबसाइट को रेगुलर से विजिट करने पे आएगा हमको 100% नॉलेज. ये जरूरी है, बेहद जरूरी है. क्यों जरूरी है? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूरी ही है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बेहद जरूरी है मेरे फ्रेंड्स. अगर आप एक न्यूज़पेपर ओपन करना चाहे तो आपको रजिस्टर करना होगा. किधर रजिस्टर करना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया से रजिस्टर करना होगा. ये हो गया प्रिंट मीडिया का एक मेजर विंग. चलिए फर्स्ट पॉइंट, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, ए मोर पॉपुलरली नोन एज RNI, केम इनटू बीइंग ऑन 1st जुलाई 1956. देखिए 1956 का और एक खासियत जो है, 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 पे इसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है मेरे फ्रेंड्स. इसलिए यूजीसी एक्ट 1956 कहते हैं इसको. देखिए मेरे फ्रेंड्स, यूजीसी इससे पहले भी था, बट यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है 1956 में. राधा कृष्णा कमीशन रिकमेंडेशंस पे यूजीसी को एस्टैब्लिश करते हैं मेरे फ्रेंड्स. उसके बाद इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिलता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलिए हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट उस पॉइंट पे, यानी वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हेन वी डिस्कस हायर एजुकेशन सिस्टम. नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है मेरे फ्रेंड्स. इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी रिलीज कर चुके हैं, JRF डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर चुके हैं मेरे फ्रेंड्स. वेरी सून वी विल गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑल्सो. चलिए ये लागू हुआ था, ये इंप्लीमेंट हुआ था 1st जुलाई 1956. ये इंप्लीमेंट हुआ था 1st जुलाई 1956 ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन इन 1953. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने बोला था फर्स्ट प्रेस कमीशन, तब भी 1966 में जिस तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया, मतलब ये एक स्टेप पड़ा था एस्टैब्लिश करने के लिए. उसके बाद 1978 प्रेस काउंसिल एक्ट पास किया था. इसी तरह फर्स्ट प्रेस कमीशन इन 1953 रिकमेंडेशन के हिसाब से एंड बाय अमेंडिंग द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ बुक्स एक्ट. देखिए इसका लिंक रूट है, इसका लिंक जो है रूट जो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, बहुत पहले इंडिपेंडेंस के बहुत पहले
तो ये एक्ट था, उसका रूट था इसमें, माय डियर फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जाते हैं, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट contains the duties and functions of registrar of newspapers for India. Very important concept. Chaliye jaate hain, my dear friends. The registrar of newspapers for India is required to submit the annual reports to the government of the status of the newspapers before 31st December every year. देखिए, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है मेरे डियर फ्रेंड्स, मार्च, ये महीने में आखिर में हम लोगों को सबमिट करना पड़ेगा हमारे इनकम टैक्सेस, वेरियस इश्यूज, ये होता है फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर। इसी तरह एवरी ईयर दिसंबर 31st को सबमिट करना पड़ेगा एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सो अबाउट द वेरियस न्यूज़पेपर्स, उनके जो स्टेटस है, उनका जो ग्रोथ है, वॉट एवर इट इज, तो इट हैज टू सबमिट ऑन दिसंबर 31st एवरी ईयर, माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, और कई सारा इंफॉर्मेशन है, दिस इज जस्ट 3 पॉइंट इंफॉर्मेशन, 30 पॉइंट्स इंफॉर्मेशन है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो इन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, माय डियर फ्रेंड्स। बिफोर गोइंग इनटू दिस कॉन्सेप्ट, आई जस्ट वांट टू नो, आर यू फॉलोइंग और नॉट? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइव चैट में एक थम्स अप दे दीजिए, प्लीज गिव अ थम्स अप, तो मुझे पता चलेगा यस यू आर फॉलोइंग दिस, प्लीज डू इट। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपके लाइक्स, आपके आपके कमेंट्स और हमें मोटिवेट करेंगे, प्लीज टू रिमेंबर। देखिए, आज आफ्टरनून 2:30 को एक स्पेशल क्लास होने वाला है ऑन कम्युनिकेशन एमसीक्यूज, हम डिस्कस करेंगे टॉप 100, अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे टॉप 100, नहीं वील डिस्कस इन वेरियस शिफ्ट्स, टॉप 100 बिट्स डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली इट वुड बी यूजफुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेस तक पहुंचाने में यूज करने वाला एक मीडियम होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स होना है तो आप फॉलो करना चाहिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको फॉलो करना होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये होता है एक ऑथेंटिकेटेड प्रिंट सोर्स, प्रिंट सोर्स ये होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, माय डियर फ्रेंड्स। इधर गेजेट रिलीज करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जाते हैं पहला वाला पॉइंट, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कम्युनिकेट द न्यूज, communicate the news officially to government, from government to the media, to government of India, to disseminate information to the print and electronic media, very very important। देखिए, print media से electronic media से जो भी information देना चाहेगा वो directly नहीं पहुंचाता है, गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक ऐसा एजेंसी है उससे इंफॉर्मेशन पास करता है, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पास करता है, किस पे पास करता है, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, ऑर्डर्स, अचीवमेंट्स, रिपोर्ट्स, ये सारे अनाउंसमेंट्स, इस तरह के कई चीज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक ऐसा एक नोडल एजेंसी है जिससे कम्युनिकेट होता है प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह। ये कॉन्सेप्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे डियर फ्रेंड्स। इसके बाद एक जबरदस्त वंडरफुल कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो भी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, लेक्चरर एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस तरह के कई सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज यू हैव टू फॉलो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज वेल एज यू हैव टू फॉलो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में कौन से डिवीजन है, फिल्म डिवीजन है या दूसरे इंफॉर्मेशन डिवीजन है, एंटरटेनमेंट डिवीजन, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उस पर भी आएगा एक पॉइंट गारंटी। ये हो गया द मेन एरिया ऑफ गेटिंग बिट्स करंट अफेयर्स। चलिए, इट हैज 8 रीजनल ऑफिसर्स एंड 34 ब्रांच ऑफिसर्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री। 8 रीजनल ऑफिसर्स और 34 ब्रांचेस से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया में ऑपरेट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से आता है वो पहुंचाता है प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ऑन पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा। 8 रीजनल ऑफिसर्स, 34 ब्रांचेस। चलिए जाते हैं नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट। इंफॉर्मेशन मटीरियल इज रिलीज्ड इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज होता है। मेरे डियर फ्रेंड्स, जितने सारे रीजनल लैंग्वेजेस है इन सब रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज होता है। दिस इज द रोल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देखिए, आज हमने डिस्कस किया है प्रिंट मीडिया का रेगुलेटर, प्रिंट मीडिया का कंट्रोल करने वाला एक रेगुलेटरी बॉडी जिसे हम कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। आज हमने डिस्कस किया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका एक्ट फर्स्ट कमीशन रिकमेंडेशंस के ऊपर एस्टैब्लिश हुआ गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये होता है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये होता है एक वॉच डॉग होता है जो प्रेस को बचाता है दूसरों से, प्रेस को एक ऑर्डर में लेके जाने में हेल्प करता है। ये होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। मेरे डियर फ्रेंड, चलिए हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा ब्रीफ, जितना भी हम डिस्कस किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं छोटा सा ब्रीफ। हम डिस्कस किया है मेरे डियर फ्रेंड्स प्रिंट मीडिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया है प्रिंट मीडिया, हमने डिस्कस किया है प्रिंट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर बॉडी है, ये एस्टैब्लिश होता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया एक एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग में ऑप्शंस में ये आ चुका है तकरीबन 10-15 बार। अगर यकीन ना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स चेक कर लेना प्लीज। देखिए, ये होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978। उसके बाद देखेंगे, ये हो गया एक स्टैचुटरी बॉडी, ये हो गया क्वासी सेमी जुडिशियल, कंप्लीटली जुडिशियल नहीं होता है। फर्स्ट अगर कोई मीडिया के ऊपर बैन लगाना है, कोई प्रिंट मीडिया के ऊपर बैन लगाना है तो ये लगा देता है बैन। उसके बाद होता है एक तरह का डिस्कशन, किस लिए बैन लगाया है, व्हाट रेगुलेशंस यू हैव वायलेटेड। अगर आप डिससैटिस्फाइड हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इससे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले मैं ही पनिश कर रहा हूं आपको, इसका मतलब ये होता है एक सेमी जुडिशियल बॉडी। बट ये फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये होता है एक वॉच डॉग ऑफ प्रेस। इसके बाद हम डिस्कस किया है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको एक न्यूज़पेपर रजिस्टर करवाना है तो आपको रजिस्टर होना होगा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ फॉर इंडिया से। देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 1 जुलाई 1956। इसके रूट्स जो है, देखिए, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, ये सब चीज इधर मेंशन कर चुके हैं। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, ये सबमिट करना पड़ेगा इसका रिपोर्ट 31 दिसंबर एवरी ईयर। चलिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक ऐसा ऑफिशियल नोडल एजेंसी है जो कम्युनिकेट करता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। इसके 8 रीजनल ब्रांचेस है और 34 ब्रांच ऑफिसर्स है पूरे देश भर, और ये रिलीज करता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो। आज दोपहर में 2:30 आफ्टरनून 2:30 वी हैव ए स्पेशल क्लास, लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज फॉलो दैट एंड प्लीज एनरोल टू द क्लास। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलते हैं कल के क्लास में। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता हो दिस वीडियो में, प्लीज यू कैन रिपोर्ट, यू कैन क्लिक द लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट एंड विन प्राइजेस। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर अन अकेडमी यूट्यूब चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, ये PDF भी मिल जाएगा आपको कम्युनिटी टैब में, एज वेल एज प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच मेरे फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।
Okay, all of you. Bye, all of you. Bye. Thank you very much. Bye, all of you.